भगवान श्री कृष्ण ने एक प्रतिज्ञा ली थी कि मैं इस महाभारत के युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं कोई अस्त्र शस्त्र। और भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं आपसे अस्त्र शस्त्र उठवाकर रहूंगा। एक तरफ भगवान की प्रतिज्ञा है और एक तरफ भक्त की प्रतिज्ञा, दोनों टकरा गए। महाभारत के युद्ध में जब युद्ध हुआ और पितामह भीष्म ने अर्जुन पर जो बाणों की बौछार कर दी, हुआ यह था कि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली कि कल के युद्ध में मैं पांडवों को मार दूंगा। जब ये बात द्रौपदी मां को पता चली तो द्रौपदी कृष्ण के पास गई और भगवान श्री कृष्ण ने कहा, क्या हुआ बहन, रो क्यों रही हो, क्या करें, रोए ना तो कल हमारे पतियों की मृत्यु हो जाएगी। भगवान बोले, तुम्हारे पति को कौन मारेगा? बोले, भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली है, क्या उनकी प्रतिज्ञा कभी अधूरी रही, मार देंगे। कन्हैया आप कुछ करो। भगवान बोले, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने तो प्रतिज्ञा ली है, मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं तो आराम कर रहा हूं, सवेरे बात करेंगे, अभी हम थके हुए। द्रौपदी बोली, कन्हैया भक्त पर संकट आया है और आप सो रहे हैं, क्या आपको नींद आ जाएगी? हे द्वारिकाधीश, पग पग पर आपने हमारी रक्षा की, क्या आज आप हमारी रक्षा नहीं करेंगे? भगवान बोले, अच्छा ठीक है, क्या करना है बताओ। हम क्या बताएं, हमें थोड़ी पता, आप बताओ। भगवान बोले, तो चलो। आधी रात को भगवान द्रौपदी को लेकर के भीष्म पितामह के कमरे में गए। श्री कृष्ण तो बाहर खड़े रहे, द्रौपदी ने चरण पादुका बाहर उतारी, तो भगवान ने चरण पादुका उठाई और लेकर खड़े हो गए। द्रौपदी लंबा घूंघट डालकर पितामह के पास गई, पितामह प्रणाम। पितामह को लगा कि कोई दुर्योधन की पत्नी आई है, तो आशीर्वाद दे दिया, क्योंकि वो दुर्योधन से कह चुके थे कि मैं कल के युद्ध में पांडवों को मार दूंगा, तो उन्हें लगा दुर्योधन की पत्नी आई। पर दुर्योधन की पत्नी में इतने संस्कार कहां थे कि वो बड़ों को ऐसे प्रणाम करे। तो द्रौपदी आई, तो द्रौपदी को उन्होंने दुर्योधन की पत्नी समझकर आशीर्वाद दे दिया, सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, सदा सुहागन रहो, पति प्रिय भव। जब ये वरदान दिया तो द्रौपदी ने घूंघट उठाया, वाह पितामह, कल के युद्ध में आप मुझे मेरे पतियों को मारकर मेरा सुहाग उजाड़ेंगे और आज मुझे केवल एक रात के लिए ही अखंड सौभाग्यवती का वरदान दे रहे हैं क्या, या सदा के लिए? यदि सदा के लिए अखंड सौभाग्यवती का वरदान दिया है तो फिर आप मेरे पतियों को कल मारेंगे कैसे, और मार देंगे तो फिर आपकी वाणी मिथ्या हो जाएगी, अखंड सौभाग्यवती का जो आपने आशीर्वाद दे दिया। भीष्म पितामह आवाक रह गए, देवी बेटी द्रौपदी, यहां तू अकेली नहीं आई, ये आइडिया तुम्हारा नहीं हो सकता, तुम्हारे पास इतनी अक्कल नहीं है। बाहर निकलकर देखा तो द्वारिकाधीश छिपे हुए थे, चरणों में गिर पड़े, पितामह प्रभु आप खड़े हैं, छिपे क्यों हैं? भगवान बोले, छिपके रहना पड़ेगा। और ये छाती पर चरण पादुका क्यों? बोले, द्रौपदी की है। बोले, आपके द्वार पर द्रौपदी की चप्पल उतरी है, चरण पादुका, कोई आते जाते देख लेगा तो आप पर संदेह करेगा कि आप दुश्मनों से मिले हुए हैं, तो आप पर कोई कलंक ना लगे, आप पर कोई आरोप ना लगे और भक्त की भी लाज रह जाए, इसके लिए मैं भक्तों की चरण पादुका छाती से क्या, उनकी रक्षा के लिए उनकी चरण पादुका माथे से लगानी पड़े तो मैं उनके लिए सब करने को तैयार हूँ। पितामह बोले, प्रभु कल मेरे जिंदगी का अंतिम युद्ध होगा। दूसरा दिन हुआ, भीष्म पितामह के सामने अर्जुन का रथ आया, बाणों की जो बरसात की भीष्म पितामह ने, साहब आज अर्जुन गिन नहीं पाए कि कितने बाण छूट गए। पहली बार इतना भयंकर युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र की धरती पर, पितामह जो बाण छोड़े जा रहे हैं, अर्जुन को हिलने डुलने का भी समय नहीं मिला, तरकस तक हाथ ले जाने का समय नहीं मिला, बाण को धनुष पर चढ़ाने का समय नहीं मिला, भीष्म पितामह बारिश कर रहे हैं बाणों की। भगवान कृष्ण को लगा कि अर्जुन मर जाएगा,
क्योंकि इन बाणों से अर्जुन का बच पाना संभव नहीं। तब भगवान आगे रथ का पहिया पड़ा था, उस रथ के पहिये को उठाकर भीष्म पितामह, यदि एक भी बाण मेरे अर्जुन को लगा तो खैर नहीं, जो पहिया लेकर दौड़े, भीष्म पितामह ने बाणों को छोड़ दिया, धनुष को, वाह प्रभु आपने मेरी प्रतिज्ञा को रखने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, प्रणाम करता हूं मैं आपको, मुझे जैसे तुच्छ प्राणी की प्रतिज्ञा के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। भगवान अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं, भगवान हार जाते हैं किसके आगे, जैसे मां बाप बच्चों के आगे हार जाते हैं, उसी तरह भगवान भक्तों के आगे हार जाते हैं। बस हराने वाला कोई भक्त तो हो जिद्दी तो हार जाएंगे। भीष्म पितामह धनुष बाण छोड़ते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं। भगवान तो केवल लीला कर रहे थे, उन्होंने मारा नहीं पितामह को, पर प्रतिज्ञा तोड़ दी। मानो अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर भगवान एक मैसेज दे रहे हैं पितामह को कि पितामह आपने भी यदि अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी होती और यदि द्रौपदी की रक्षा के लिए अपने हाथ बढ़ाए होते तो आज ये महाभारत ना हो रहा होता। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह ने एक प्रतिज्ञा ली थी, मतलब महाभारत में नहीं, मतलब पूरे जीवन के लिए भीष्म पितामह ने एक प्रतिज्ञा ली थी। पहली प्रतिज्ञा थी भीष्म पितामह की कि मैं अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। दूसरी प्रतिज्ञा थी कि हस्तिनापुर की राज गद्दी पर जो बैठेगा उस राजा का मैं कवच बनकर उसकी सदा रक्षा करूंगा। ये प्रतिज्ञा थी दो। तो एक तो ठीक थी कि आप ब्रह्मचारी रहेंगे, विवाह नहीं करेंगे, चलो समझ में आई। पर दूसरी प्रतिज्ञा कि इस हस्तिनापुर में यदि कोई नालायक राजा बैठेगा तो क्या आप उसकी इसलिए रक्षा करेंगे क्योंकि आपने प्रतिज्ञा ली है? पितामह ने गलत किया, धृतराष्ट्र नहीं सुधर रहा था तो पावर पितामह के पास था। पितामह को चाहिए था कि धृतराष्ट्र को सत्ता से हटाकर, और उस गद्दी के अधिकारी धर्मयुक्त युधिष्ठिर जी थे क्योंकि हस्तिनापुर के राजा पांडु थे। पांडु की मृत्यु हो गई तो कोई ऑप्शन ना होने पर धृतराष्ट्र को सत्ता पर बिठाया गया, पर इसलिए बिठाया गया कि जब पांडु के बच्चे बड़े हो जाएंगे तो वो इस गद्दी पर बैठ जाएंगे, पर जब तक वो बड़े होते तब तक तो धृतराष्ट्र ने पूरा कब्जा कर लिया। तो भीष्म पितामह को न्याय कराना चाहिए और धर्मराज युधिष्ठिर को उस सत्ता का, उस गद्दी का जो वो अधिकारी थे वो अधिकार दिलाना चाहिए था। पर भीष्म पितामह अपनी प्रतिज्ञा में बंधे रहे कि नहीं, इस गद्दी पर जो बैठेगा मैं उसकी रक्षा करूंगा। तो अन्यायी राजा बैठेगा तो क्या आप उसकी भी रक्षा करेंगे? और की तो भगवान ने कहा कि सुनो, यदि अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने से समाज का, प्रजा का लाभ होता हो तो ऐसी प्रतिज्ञा छोड़ देनी चाहिए। आपने प्रतिज्ञा तोड़ करके यदि युधिष्ठिर को पहले राजा बना दिया होता तो ये महाभारत ना होता। लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की, जो निर्दोष लोगों की जान चली गई, उस हत्या से बच जाता ये देश, आप बच जाते। ये मैसेज दिया भगवान ने प्रतिज्ञा को तोड़ कर। परंतु आपको बस इतना सीखना है कि भगवान थोड़े से जिद्दी भक्तों के पास जल्दी से जाते हैं। भक्तों को ना भगवान से अथाह प्रेम करना पड़ेगा, थोड़ा जिद करनी पड़ेगी, और आपकी जिद के आगे फिर भगवान जिद नहीं करते। ध्रुव जी की जिद थी कि भगवान का दर्शन करूंगा, भोजन पानी सब छोड़ करके लगे रहे भगवान के चिंतन में। भगवान को जिद छोड़ करके ध्रुव बच्चे को दर्शन देना पड़ा। तो भगवान तो तैयार हैं, हम में तुम में काबिलियत कहाँ है वो ध्रुव और प्रहलाद वाली। इसलिए भगवान की शरण में रहो,
और कहीं जाने की जरूरत नहीं है।